हेलो गाइस, सोनल सिंह की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई और अभी 1 बजने वाले हैं दोपहर के। एक्चुअली हमें काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था, ये जो हमने ORVM पे क्रोम लगवाए रखा है उसके लिए, ये वाला जो क्रोम लगाया है, तो इसके बारे में कि ये कहाँ से आपने लगवाया है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो हमने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना देते हैं। मेरे पास कुछ क्रोम हमारे पास बचे हुए थे तो हमने सोचा ये आपको एक बार बता देते हैं किस तरह से लगाना है। ये जो एक्चुअली ये जो है ना, ये और ये चीज़ पूरा जो यहाँ लाइनिंग लगाया है हमने, और फिर ये पीछे भी जो है, ये वाला गाड़ी थोड़ा गंदा हो रखा है, ये वाला सारा सेम ही है। आपको दिखाते हैं वो एक्चुअली है क्या अंदर गाड़ी के चलते। वो है भाई ये वाला क्रोम, मतलब ये बहुत मोटा रोल आया था, इतना अभी बच गया है। ये ऑनलाइन हमने लिया था, ये हम डाल देंगे इसका डिस्क्रिप्शन पे इसका बाइंग वाला लिंक। तो ये काफ़ी सही चल रहा है भाई, 2 महीना से हमने यूज़ किया है तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। तो आपको बताते हैं इंस्टॉल कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है, दिखाते हैं आपको। तो भाई ये जो क्रोम आता है ना, इस तरह का कुछ मोटा सा रील में आएगा आपको। ये अभी काफ़ी ख़त्म हो चुका है, हमने पूरी गाड़ी इसी से कवर कर लिया और ये इतना बच भी गया। तो इसे करना क्या है, नॉर्मल आपको पहले मान लो अगर इतने बड़े एरिया पे लगाना है, जैसे यहाँ दिखाते हैं, मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक आपको अगर लगाना है तो आप इससे पहले इस तरह से मेज़र कर लीजिएगा। यहाँ पर बाहर साइड का लेना भाई, अभी बाहर का एक ही मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है तो अकेले ही कर रहे हैं। मान लो अगर इतना लेना है तो अच्छे से इसका मार्किंग आप कर लीजिएगा कहाँ तक चाहिए। अगर यहाँ चाहिए तो यहाँ आप एक मार्क लगा लीजिएगा, कोई मार्कर या फिर किसी चीज़ से, परफेक्शन के साथ एकदम काम होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको इसे कट कर लेना है, ये बड़ा ही आराम से कैंची से ऐसे सीजर से इस तरह से कट हो जाएगा। फिर ये कट होने के बाद इसके पीछे में ये 3M का टेप लगा हुआ है भाई, टेप का क्वालिटी भी सही है, हम लिंक दे दे रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन पे, आप ले लीजिएगा। वो टेप आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लगा हुआ आएगा प्री अप्लाइड। इसका बस आपको टेप यहाँ से पील करना है पूरा, और इससे ले करके ऐसे प्लेस करके अच्छे से यहाँ लगा देना है। अभी इस पर मेरा पॉलिश लगा हुआ है तो इस पर पकड़ेगा नहीं, ये इस तरह से इसे प्रेस कर देने से वहाँ लग जाएगा। उसी तरह से आपको सेम, मतलब ये तो अभी आराम से निकल जाएगा। वैसे इसका टेप का क्वालिटी काफ़ी सही है, अच्छा होल्ड करता है। जी आपको दिखाते हैं, बस आपको उसी तरह से यहाँ से लेके इस क्रोम को इस तरह से यहाँ जो मेज़र किया है उस पर इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पूरा लगा लेना है। इस तरह से इसे यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ पेस्ट करते हुए जाते जाते ऐसे मुड़ते हुए हल्का मुड़ करके ऐसे लगा देना है, उससे तो आपका हो जाएगा वो कंप्लीट। बस यही था, जहाँ भी जैसे आप अप्लाई करोगे किसी भी जगह पर, जैसे अगर आप यहाँ कर रहे हो तो इसको पहले अच्छे से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वॉश कर लेना, पहले अच्छे से क्लीन कर लेना, हो सके तो सैनिटाइज़र ले लीजिएगा, वो बेस्ट रहता है, रबिंग एल्कोहल या फिर उससे कर दीजिएगा, ये अच्छे से पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 मंथ से मेरे कार पे तो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उससे हमें। तो बस यही था आज की वीडियो में, यही इसी के बारे में आपको बताना था, लिंक दे दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए होगा वो लगवाना होगा तो ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा आप खुद से। तो बस यही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा भाई वीडियो को। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।